बिना मान्यता के संचालित SAN पब्लिक स्कूल को नोटिस। नोएडा में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर लगाम लगाते हुए गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार सक्सेना ने नोएडा के चौड़ा गांव सेक्टर 22 स्थित एक स्कूल को नोटिस जारी किया। बताया जा रहा है कि यह स्कूल बेसिक शिक्षा विभाग की बगैर मान्यता के ही संचालित किया जा रहा है। इस विद्यालय में इंटरमीडिएट तक की कक्षाओं का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर को नोएडा के सेक्टर 22 स्थित चौड़ा गांव में SAN पब्लिक स्कूल के विषय में जानकारी मिली थी कि ये स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद की बिना मान्यता के संचालित किया जा रहा है। जब विद्यालय की मान्यता सूची के नाम का मिलान किया गया तो पाया गया कि स्कूल की तो मान्यता ही नहीं है। इसके अलावा बिना किसी मान्यता के इस विद्यालय में इंटरमीडिएट की कक्षा तक बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। नियम के मुताबिक निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 18A के मुताबिक मान्यता और प्रमाण पत्रों के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता। BSA धर्मेंद्र कुमार सक्सेना ने बताया कि स्कूल प्रबंधक को 22 तारीख तक मान्यता संबंधी समस्त साक्ष्यों को प्रस्तुत कराने का आदेश दिया है, अन्यथा स्कूल प्रबंधक के खिलाफ 1,00,000 का आर्थिक दंड अधिरोपित किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। सूत्रों की माने तो जिस स्कूल को शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है वह स्कूल स्थानीय भाजपा नेता के भाई का है। शायद इसी का लाभ उठाकर स्कूल संचालक ने हजारों बच्चों के भविष्य को अंधकार में रखकर अभी तक स्कूल की मान्यता नहीं कराई है। अब देखना यह है शासन आदेशों की अवहेलना करने वाले ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। नोएडा से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट।